नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। यूक्रेन पर हमले का 29वां दिन, भारत का रूस को भी समर्थन नहीं। यूएनएससी में यूक्रेन पर रूस के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा। पाकिस्तान में सियासी घमासान, शेख राशिद बोले हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ कई कार्ड, बिलावल का पलटवार, इमरान चूहे जैसे डर के भाग रहे। ड्रैगन को भारत की 2-2, ओआईसी की मीटिंग में कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ आया चीन, भारत ने कहा बेवजह बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। वीरभूम हिंसा के बीच एक और टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, नादिया जिले में अज्ञात लोगों ने गोली मारी। पेट्रोल डीजल के बाद पीएनजी सीएनजी के दाम बढ़े, दिल्ली में सीएनजी 1 रुपया और पीएनजी 50 पैसे महंगी हुई, नई कीमतें आज से ही लागू। वीरभूम हिंसा पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, राज्य सरकार दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट, पीड़ितों से मिलने घटनास्थल पर जाएंगी ममता। कर्नाटक में नया बवाल, मंदिरों के बाहर बैनर लगाकर मुस्लिमों से दुकान ना लगाने को कहा, प्रशासन बोला यह हमारा आदेश नहीं। पीएम मोदी से मिलेंगे भगवंत मान, पंजाब सीएम की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, आज दोपहर 1 बजे दिल्ली में होगी मुलाकात। रोहित शर्मा ने बताया मुंबई इंडियंस का प्लान, ईशान किशन होंगे ओपनर, सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे शुरुआती मैच। ये है आईपीएल में 20वें ओवर के सिकंदर, धोनी लास्ट ओवर में सबसे ज्यादा 50 छक्के जड़ चुके हैं, पोलार्ड और हिटमैन रोहित भी कम नहीं। प्रयागराज में योगी 2.0 शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण का प्रमुख चौराहों पर स्क्रीन लगाकर होगा प्रसारण, पूर्व राज्यपाल सहित साधु संतों को आमंत्रण। वाराणसी में आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी, 39 डिग्री के पार पहुंचा पारा, 8 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं। यूपी बोर्ड परीक्षा आज से शुरू, गड़बड़ी पर केंद्र व्यवस्थापक व स्टैटिक मजिस्ट्रेट होंगे जिम्मेदार, 199 केंद्रों की निगरानी करेंगे जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट। दिल्ली बॉर्डर पर किसान फिर से कर सकते हैं आंदोलन, संगठन हो रहे लामबंद, संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक में होगा फैसला। गाजियाबाद में महिला की चैन लूटने वालों से मुठभेड़, कनावनी नहर पर मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, नोएडा गाजियाबाद में दर्ज है 21 मुकदमे। सीएम योगी से मिले बीजेपी युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, अम्बेडकर नगर के समुचित विकास के लिए कई योजनाओं की मांग कर सौंपा ज्ञापन। इंदौर में भाजपा नेता के बेटे की हत्या, गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगाई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, तब खुला 7 किलोमीटर लंबा जाम। मध्य प्रदेश में कंट्रोवर्सी द कश्मीर फाइल्स, आईएएस अफसर नियाज खान बोले मैं इस फिल्म के खिलाफ नहीं, गोधरा कांड मालेगांव ब्लास्ट पर भी तो फिल्म बने। हिसार में बीजेपी नेता के थाने आने पर भड़के थे ग्रामीण, एसपी बोले हिसार की बरवाला में प्री प्लांट था, ग्रामीणों का टकराव, महिला समेत अनेक पर केस। भिलाई में 1 रुपए के रिचार्ज पर 1 लाख का फ्रॉड, महिला डॉक्टर को सिम की वैलिडिटी खत्म होने का दिया झांसा, ऐप डाउनलोड करा खाते से निकाल लिए रुपए। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़।